हाय गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी डिजाइनर मेरा चैनल में आपको ऑनलाइन फैशन डिजाइनिंग कोर्स उसके साथ टेलरिंग डिटेल मेजरमेंट ब्लाउज का ड्राफ्टिंग कटिंग स्टिचिंग ये सब साथ में सिखा रही हूँ आपको कटोरी ब्लाउज का शेप बराबर नहीं बैठा रहेगा तो उसके लिए भी मैंने अलग से वीडियो बना के रखा है ऊपर आई बटन में दे रही हूँ क्लिक करके चेक कर लो आप पहला बार मेरा चैनल देख रहे हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके ये वीडियो को लाइक करो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड इसकी कटिंग वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड किया है ये वीडियो का एंड में दे दियो जरूर क्लिक करके चेक कर लो आज हम देखने वाले थर्टी एट साइज की गाउन की फिटिंग पूरा डिटेल के साथ बैक साइड गला मैं टर्न करके सिलाने वाली हूँ इसका फ्रंट साइड गला मैंने टर्न नहीं किया है कैनवास पेपर से कटिंग करके फिर उसके ऊपर रख के सिलाई करके लिया था बट बैक साइड के लिए मैं सिंपल ही रखने वाली हूँ इसलिए इसको पैक करके सिलने के बाद कटिंग करके निकाल के पीछे टर्न करके इसको सिलाई करके लेने वाली हूं पीछे टर्न करके लेने के बाद इसको भी सिलाई करके लेंगे ये सिल्की होने के बाद चारों साइड किनारी पे भी सिलाई करके लेंगे ये होने के बाद इसके पहले ही हमने आगे वाला बना के लिया था उसको इसके साथ रख के पहला शोल्डर सिलाई करके लेंगे ये वाली सिलाई होने के बाद स्लीव्स अटैच करना है स्लीव्स अटैच करने के लिए हमारा पैटर्न का कपड़ा आगे रखना चाहिए उसके ऊपर अस्तर का कपड़ा रख के पहला दोनों कॉर्नर पे सिल के ले लो इसके बाद इसको ओपन करके अब ये किनारी पे सिलाई करके लेंगे इसके साथ इसको चारों साइड से पैक करके सिल के ले लो सिलाई में बचा हुआ कपड़ा को कटिंग करके निकाल देंगे अभी नेक्स्ट हमारा टॉप और बॉटम दोनों पीस को साथ में रख के सिलाई करके लेना है तो पहला मैं अस्तर का कपड़ा रख रही हूँ उसके ऊपर मेन फैब्रिक रख रही हूँ उसके ऊपर नीचे हमारा बॉटम का कपड़ा साथ में रख के तीनों को एक ही साथ रख के मैं सिला के ले रही हूँ ये सिल के लेने से मैं एक चीज ध्यान रखू आपका ऊपर वाला टॉप का पीस और आपका बॉटम वाला पीस दोनों पैटर्न सामने सामने होना चाहिए ऐसा रख के सिलाई करके ले लेंगे इसके बाद इसको सामने ओपन करके सामने भी ऐसा एक सिलाई करके लेंगे ऐसा रख के सिलाई करेगा तो ये आपको पीछे साइड में कपड़ा नहीं दिखेगा वो फिनिशिंग एकदम नीट एंड क्लीन दिखेगा ये देखो दूसरी वाली साइड पे भी ऐसे ही आपको अस्तर का कपड़ा रखना है उसके ऊपर हमारा टॉप का पीस रखना है उसके ऊपर हमारा बॉटम वाला पीस और पैटर्न और पैटर्न साथ में सामने होना चाहिए उस हिसाब से रख के इसको भी सिलाई करके लेंगे अभी ये कपड़ा को भी ओपन करके इसमें भी ऐसा एक सिलाई करके लेंगे ये सिलाई होने के बाद मैं हमेशा शोल्डर का सिलाई और हमारा स्लीवस का बीच का कटिंग वर्क ये दोनों को पहला साथ में रख के ये वाला साइड में सिल के लेने के बाद ही मैं टर्न करके ये साइड में सिला के लेती हूँ ऐसा एक बार सिला के देखो एकदम आपका स्लीवस परफेक्ट बैठेगा स्लीव ज्वाइन करने से मैं ये वाला टेक्निक एक बार ट्राई करके देखो बाजू वाला साइड में भी ऐसे आपको शोल्डर का बीच वाला सिलाई और हमारा स्लीव्स का बीच वाला कटिंग मार्क ये दोनों साथ में रख के शोल्डर से सिला के लेके जाके फिर वापस स्लीव अटैच करके देखो हमारी स्लीव अटैच करके ओढ़ने के बाद अभी फिटिंग करना है फिटिंग करने के पहले आपको एकदम कॉर्नर वाला सिलाई पहला करके लेना है बाद में आपको फिटिंग करके लेना है तो मैं पहला कॉर्नर वाला सिलाई करके लेती हूं इसको अभी हमारा कमर तक ही सिलाई करके लेना है पूरा सिलाई नहीं करना है इसको सिलाई करके छोड़ दो अभी सामने बाजू साइड में भी सेम ऐसे ही कॉर्नर वाला सिलाई करके लेंगे कमर तक अभी इसके बाद फिटिंग करना है फिटिंग करने के लिए आपको चाती का दो भाग लेना है छाती हमारा थर्टी एट है इसका दो बग करेगा तो नाइनटीन आएगा प्लस आपको एक्स्ट्रा एक इंच लेना है टोटल बीस अभी हमारा कपड़ा का लेंथ देखना है कपड़ा का लेंथ हमारा ट्वेंटी थ्री है तो इसको क्या करना है बीस में आपको माइनस करेगा तो तीन इंच मिलेगा तीन इंच में ये में आपको डेढ़ इंच मार्क करके लेना है और वो साइड में आपको डेढ़ इंच मार्क करके लेना है तो एकदम परफेक्ट आपका फिटिंग बैठ जाएगा इसका बाज में आपको आधा इंच में एक सिलाई करना है इसलिए उसका भी मैं इधर साथ में मार्क करके लेती हूँ हाथ का हमारा बॉटम राउंड दस इंच है इसको दो भाग करेगा तो आपको मिलेगा पाँच इंच वो पाँच इंच इधर मार्क करके ले लेंगे हमारी कमर का साइज थर्टी सिक्स है थर्टी सिक्स को आपको दो भाग करेगा तो सेवनटीन इंच आएगा टोटल हमारा कपड़ा है बीस इंच बीस में सेवेंटीन को माइनस करेगा तो आपको मिलेगा तीन इंच तो ये सेड में आपको डेढ़ इंच में एक मार्किंग करना है ये सेर में आपको एक डेढ़ इंच में मार्किंग करना है तीन इंच को आपको दोनों सेड में डिवाइड करके दे देना है अब ये कमर से नीचे गैर के लिए आपको मार्किंग करके लेना है कितना आपको गैर रखना है करके ये देखो मैं पाँच इंच रख रही हूँ ये साइड में भी पाँच इंच मैंने मार्क कर दिया और ये साइड में भी पाँच इंच मार्क कर दिया आपको कितना चाहिए उस हिसाब से आप रख सकते हो अभी हमने ऑलरेडी ये सब मार्किंग किया था ना ये मार्किंग को स्केल से लाइन देके नीचे तक ज्वाइन करके आ जाएंगे अब ये लाइन के ऊपर ही पूरा सिलाई करके लेंगे अब इसको ऐसे ही रिवर्स में टर्न करके इसमें आधा इंच में गैप छोड़ के एक सिलाई करके लेंगे बाजू वाली साइड में भी सेम ऐसे ही आपको वो लाइन के ऊपर एक सिलाई करके फिर बाद में टर्न करके आधा इंच में गैप छोड़ के के ले लो तो टॉप का सिलाई हो गया अभी बॉटम का सिलाई करके लेना है बॉटम सिलाई करने के लिए हमारा मेन कपड़ा को दोनों को साथ में रख के सिर्फ आपको मेन फैब्रिक को सिल के लेना है अस्तर को अभी नहीं सिलाना है अस्तर हम बाद में सिला के लेंगे इसके बाद अस्तर का कपड़ा ज्वाइन करना है मेन कपड़ा को छोड़ के अस्तर का कपड़ा आगे और पीछे दोनों साथ में रख के इसको सिलाई करके लेंगे हमारा दोनों साइड में ऐसे आपको सिलाई करके लेना है ये सिलाई होने के बाद अभी नीचे बॉटम को बॉटम वाला अस्तर कपड़ा को फोल्ड करके आपको सिल के लेना है ये देखो मैं कैसा फोल्ड कर रही हूँ ऐसे फोल्ड करके ये पूरा सिलाई कंप्लीट करना है हमारी पूरी गाउन की सिलाई कंप्लीट हो गया है इसका फाइनल लुक बताती हूँ देखो मेरा चैनल में आपको कुछ नया सीखने के लिए मिला रहेगा तो जरूर मेरा चैनल को सब्सक्राइब करो लाइक करो कमेंट करो आपका रिलेटिव या फ्रेंड्स कोई टेलरिंग कर रहे तो उनके लिए मेरा वीडियो सजेशन करो उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा नेक्स्ट हमारा ब्लाउज का वीडियो रेडी हो रही है वो दो दिन में आ जाएगा तब तक मेरा वीडियो के लिए वेट करो इसका कटिंग वीडियो चाहिए तो ये वाला वीडियो क्लिक करके चेक कर लो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टे कनेक्टेड विथ बी एस दिस डिज़ाइनर